बिहार में जमीन खरीदना बेचना अब आसान हो गया है अब आपकी मोबाइल पर सारी जानकारी मिलेगी मोबाइल पर ऐप मौजूद रहेगा जिसके जरिए आप हर एक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं अब आपको अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा नई शुरुआत बिहार में होने जा रही है खासकर मुजफ्फरपुर से ये नई शुरुआत होने वाली है एक एक करके सभी जिलों में लोगों को ये नई सुविधा मिलने वाली है जहां मोबाइल के जरिए ही वो सारे काम कर सकेंगे जिसके लिए पहले वो सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते थे नक्शा लेने से लेकर जमीन की हर एक जानकारी आपको मोबाइल ऐप आप पर मिलने वाली है सरकारी दफ्तर अब आपको नहीं जाना होगा पूरी जानकारी आगे रिपोर्ट में आपको हम देते हैं अब नमस्कार आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे अभी तक आपको सिर्फ जमीन की खरीद और बिक्री के लिए नियम कानून के बारे में पता होगा जिससे पहले के मुकाबले इन कामों को आसान बना दिया गया है अब लेकिन मकान के नक्शे को लेकर भी बड़ा बदलाव अब हो गया है अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अब आपको घर का नक्शा बनवाना है या फिर पास करवाना है पहले लोगों को काफी परेशानी होती थी इससे अब उनको निजात मिलेगा यानी कि मोबाइल पर ही सारे काम हो जाएंगे आम जनता की सुविधाओं को बढ़ाते हुए बिहार में अब नक्शा पास कराना या फिर बनाने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है साथ ही आपका जो जमीन है, है। का कार्यवाही का की जाएगी पहले नक्शा बनाने और पास कराने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था लेकिन अब इससे उनको छुटकारा मिलेगा नगर निगम प्रशासन की तरफ से हर एक जिले में आम जनता के लिए ये खास सुविधाएं लाई जाएंगी जिसमें के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब ये सारे काम आसानी से हो सकेंगे अब अगर आपको कोई भवन निर्माण करवाना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करके नक्शा बनाने या फिर नक्शा पास करवाने की जो सुविधा है वो दी जाएगी अगर ये नई शुरुआत हो जाती है तो इससे घर का नक्शा बनाना बेहद ही आसान हो जाएगा ऑनलाइन आवासीय भवनों का नक्शा भी बनेगा फिलहाल ये सारे मैनुअल तरीके से किया जा रहा है लेकिन जल्द ही अब ऑटो कैट सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से ये सभी काम को आसान कर दिया जाएगा ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल सिस्टम राज्य में लागू किया जाएगा जिसके तहत जैसे ही पैनल के आर्किटेक्ट भवन का नक्शा बनाएंगे सॉफ्टवेयर में उसे अपलोड करेंगे सॉफ्टवेयर उसकी जांच करेगा कि नक्शा पास होने लायक है या नहीं है सारी जानकारी सामने को, वाले को देगा आर्किटेक्ट के द्वारा बनाए गए ड्राइंग को लेकर उसमें क्या कमी है क्या कुछ अच्छाई है इस बारे में भी बताया जाएगा सॉफ्टवेयर के आ जाने से एक बात तो साफ है कि पहले जो नक्शा बनाने के लिए या फिर जमीन खरीदने के लिए जमीन का नक्शा पास करवाने के लिए जो फर्जी वारा किया जाता था जो बिचवलिया थे वो पैसे वसूलते थे इन सब चीजों पर अब रोक लग पाएगी बाकी आपको हम बता दें कि राज्य में बिना नक्शा पास करवाए घर वाले लोगों को लेकर भी सरकार अब सख्त नियम लाने वाली इससे पहले भी ऐसे लोगों को लेकर रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिन्होंने बिना नक्शा पास करवाए घर बनाया है जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अगर किसी ने नक्शा पास करवाए बिना घर बना लिया तो फिर उसी वक्त उससे जुर्माना वसूला जाएगा और कई ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद उसे नक्शा निकलवाना होगा तभी घर उसका बन पाएगा खासकर शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए अगर आपने भवन निर्माण करवाया है तो उसके लिए परेशान होने की फिलहाल तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि पी बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण कराने वालों को नक्शा पास कराने के लिए कुछ वक्त देगा जी हाँ नक्शा पास कराने के लिए लगभग दो महीने का समय दिया जाएगा इस पर विचार विमर्श फिलहाल किया जा रहा है लेकिन अगर आपने दिए गए समय में भी नक्शा पास नहीं करवाया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ऐसे में लोगों को सलाह यही दी जा रही है कि इन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए कदम उठाए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े बाकी सबसे जरूरी बात यह है कि जो जमीन की खरीद और बिक्री और साथ ही उसके नक्शे को लेकर जो पहले झंझट हुआ करता था अब वो नहीं होगा क्योंकि अब मोबाइल पर एक ऐप मौजूद होगा उसके माध्यम से आपको सारी जानकारी वहीं पर मिल जाएगी एक एक जानकारी जमीन से जुड़ी आपको वहां दी जाएगी ताकि अगर मामले में कोई नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे तक तो आप उस पर खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता दिन के साथ कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना धन्यवाद